सिर्फ हमारे माननीय सदस्य मनीष जायसवाल का ही नहीं है, हमारी भी शिकायत है। और आपने देखा होगा सदन के अंदर, मैंने कहा भी है कई बार, ये देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं। तो मैंने एक राय दिया कि भाई ये सदन चल रही है, इस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए और घर पर ही उनका आंसर भिजवा दीजिए। फिर यह बहस का बिंदु कहाँ है? अभी आपने देखा होगा नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रश्न कर रहे हैं, एक बार भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया कि रेलवे लाइन का विस्तारीकरण कितना किलोमीटर है, वहाँ पर कितने खान हैं, और खान वैध ढंग से चल रहे हैं कि अवैध ढंग से चल रहे हैं, बस वही हाथी जंगल ऐसा वैसा। मेरा ये कहना है कि भाई इस तरह से सदन नहीं चलते, और इतिहास में ये लिखा जाएगा। और मैं कहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है लिखेगा उसका भी अपराध इतिहास। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में इस बात पर, इन्होंने देखा फाड़ा है, इसके अंदर जय श्री राम निकल रहा। तो मैं यही कहूँगा, कहीं पर नीला कहीं पर पीला, कहीं पर झंडे का रंग लाल है, देखते हैं कौन इस महावीर झंडे को, रुकने वाला माई का लाल है। धन्यवाद सर।